चांद बाबू होली खेल के आ रहे हो? हाँ। मालूम होता है किसी ने बड़े प्यार से लंग दिया। किसकी मेहरबानी हुई? तुम्हारी रजनी महन साहब की। कैसे? उनकी गाड़ी के पिछले पहियों में कीचड़ की पिचकारियां भरी थी, मुझे सफेद कपड़ों में देखकर आपे से बाहर हो गई। अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा? गंगू यही दो कपड़े हैं मेरे पास, मैं कब धोऊंगा कब साफ करूंगा? ना मैं, तुम हट जाओ। मैं हाथ बटा देती हूं। गंगू तुम चली जाओ। अभी धो दूंगी तो ना। कि तुमने मेरी मदद की है? गंगू तू मेरी मदद ना किया कर। रूठ के चांद बाबू, मैंने देखा तुम उदास थे, मैंने तुम्हें हंसाने के लिए सच्चे दिल से दिल लगी की थी। वैसे तो मेरी बहन ने कभी स्कूल में कदम नहीं रखा। अरे वो तो तांगा चलाती है। अब हंस पड़ो ना। गंगू गंगू, में जमाने का सताया हुआ, मैं हंसने की कोशिश करूं तो भी नहीं हंस सकता। तुम्हें नहीं मालूम गंगू मैं किन मुसीबतों से गुजर रहा हूं। ये देखो, गांव से चिट्ठी आई है, पिताजी बीमार हैं, मुकदमे की तारीख नजदीक आ रही है, घर में कोई भी नहीं जो उनकी देखभाल कर सके। भगवान जाने ये मुकदमा कब खत्म होगा। कैसा मुकदमा? जायदाद का मुकदमा है गंगू, जायदाद का। बरसों से मेरे पिताजी लड़ते आए हैं, न फैसला हमारे हक में होता न दूसरों के हक में। जो कुछ था पाई पाई इस मुकदमे पे खर्च हो चुकी है। इधर मेरी हालत नाजुक है, उधर तुम्हारी रजनी मेम साहब के पिता, जिन पर कभी मेरे पिता ने बहुत से एहसान किए थे, आज मैंने इतनी जगह तो दी मगर दिल मतलब एहसान जताते हैं। रजनी मेम साहब के पिता एहसान जताते होंगे, लेकिन रजनी मेम साहब तो बहुत प्यार जताती है ना। मुझे उनके प्यार की जरूरत नहीं, मैं उनके प्यार को दूर से नमस्कार करता हूँ। गंगू बहस न किया करो गणपत, मैं नहीं चाहता चांद इस घर में रहे। हाँ हाँ, मैं कहूँगा जितनी जल्दी निकाल सको निकाल दो, और देखो मैं जरा देर में पहुँचूंगा। गणपत का अच्छा, गणपत काका लाओ कुछ सामान मैं उठा लूं। बोल गंगू, इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ? चांद बाबू, चांद बाबू, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, तो बस ईश्वर पे भरोसा है। ईश्वर? गंगू अपना ईश्वर भी तो गरीबों का है ना, वो खुद ला मकान। उस बेचारे का कोई बंगला होता तो जाकर कहता, भैया ईश्वर थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो। अरे चांद बाबू, ईश्वर का तो सारा संसार है। होगा, और अपना तो संसार में कोई नहीं। अच्छा सुनो, मेरे साथ चलो। कहाँ? यहाँ मेरा एक मामा रहता है, चलो मैं तुमको उसके पास लिए चलती हूँ। ना गंगू, मुझ पे तरस न खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे हमदर्दी जताने की सजा तुम्हें भुगतनी पड़े। गंगू, मैं गरीब हूँ, तुम भी गरीब और सेठ जी गरीबों को जब चाहे निकाल सकते हैं। मैं नहीं डरती किसी सेठ वेट से। गंगू, गंगू बोल, क्या बक रही थी? गंगू! सेठ जी! अच्छा, ये जुरत जिनके टुकड़ों पर पली होना ही आंखें दिखाती है। समझा, बदकार इस लड़के की हिमायत पर इससे आंखें लड़ा चुकी है। सेठ जी, जानता हूं मेरे भाइयों की तरह आंखें लड़ाना गरीबों का काम नहीं, आंखें लड़ाना अमीरों की बेटियों को शोभा देता है। फिर कहो, ए हम क्या पूछते हैं? अब अपनी बेटी से पूछिए। उल्लू की पट्टी, नमक हराम, निकल जाओ इस घर से बाहर, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। वो देखो मेरा मामा तुकाराम। तुकाराम बैंड मास्टर। संभालो मामा, ये बाबूजी है ना, बड़े बेचारे, इनका नाम चांद बाबू। चांद बाबू? तो फिर तुम यहाँ नहीं, ऊपर ही शोभा दोगे। इन्हें ऊपर ले जाओ। मामा, डाइट का स्विच कहाँ है? स्विच? ढूंढने से स्विच तो मिल गया है, मगर रोशनी नहीं होगी। बात यह है कि बिजली का तार तो अंदर पहुंच गया है, मगर लाइट को भाई अंदर आना मना है। चांद बाबू नमस्ते। चांद बाबू, सवेरे सवेरे छोकरी पीछे पड़ जाती है, कहती है कि बैंड बजाना सीखूंगी। भला आप ही बताइए चांद बाबू, क्या ये काम लड़कियों का है? मास्टर जी, जी लड़कियां तो आजकल बहुत तरक्की कर गई। हाँ मास्टर जी, मेरे ख्याल से अगर आप लड़कियों का बैंड बनाए तो बहुत अच्छा, आपको आमदनी भी ज्यादा होगी और नॉवेल्टी समझकर लोग आप ही को बुलाएंगे। पर मास्टर जी, सवाल तो ये है, आप लड़कियों को सिखा सकेंगे? अरे चांद बाबू, मैं गधों को सिखा दूं, तुम संपत हाथ में लो, फिर देखो मेरे सिखाने का तरीका। मास्टर जी, जी किसी छुट्टी के दिन, देर हो रही है, कॉलेज पैदल जाना। क्या कहा चांद बाबू, पैदल? अरे पैदल आपकी बला जाए चांद बाबू, जरा ठहरो, ये लो मेरी साइकिल लेते जाओ। अरे गंगू, उस खटिया के पीछे दो पहिए पड़े, लेते आना। चला जा, भाग भाग, दोनों लेते आना, दोनों। हाँ मास्टर जी, मेरे ख्याल से आज इसे तकलीफ ना दी, आप इसे ठीक कीजिए, ये पहिए वही जोड़ लीजिए। कल काका, चांद बाबू से कुछ लोग मिलने आए हैं, आइए, यही है तुकाराम बैंड मास्टर का घर। कौन? कमोदर चाचा, आइए आइए, आओ चाचा, बैठो बैठो, आइए आइए, बैठिए। चांद, शुक्र है कि तुम मिल गए, बहुत ढूंढना पड़ा। पहले ये बताओ। नहीं चाचा, पहले आप बतलाइए, मेरे पिताजी कैसे हैं? यही तो हम पूछने आए हैं कि तुम्हारे पिता कैसे हैं। वो पहले तो बीमार थे, फिर न जाने कुछ दिनों से न जाने कहाँ गायब हो गए। हम समझे तुम्हारे पास आए होंगे, गांव वालों ने उन्हें 8-10 दिन से नहीं देखा। आपको खत लिखे, आपने जवाब नहीं दिया। खत लिखे, जवाब नहीं दिया। मेरे पिताजी गांव से गायब है। खत लिखे, जवाब नहीं दिया। मेरे पिताजी गायब है गांव से। पिताजी कहां चले गए? मामा, मैं गांव जाना चाहती हूँ। 2-4 दिन ठहर जाओ, मैं तुम्हें मंगल को छोड़ाऊंगा। क्या मतलब? गंगू, मैं जा रहा हूं। बाबू कहाँ जा रहे हो? ख्याल है कि पहले अपने गांव जाऊंगा और फिर। अच्छा हुआ तुम गांव जाओगे। मामा, मैं भी चली जाती हूँ। रास्ते मेरा गांव पड़ेगा, तुम मुझे स्टेशन पर उतार देना। हाँ चांद बाबू, इसका स्टेशन पहले आता है, इसे उतार देना, ये घर चली जाएगी। और शायद तारा भी तो स्टेशन पर तांगा लेकर आएगी। चांद बाबू, आपकी अच्छा, बड़ी कृपा होगी। तो मैं सामान तैयार कर लूँ। मेरे कंगन। चांद बाबू, मुझे कहते हुए शर्म आती है। ये लो गंगू के टिकट के पैसे। मास्टर जी, मैं भी कुछ कहूं और मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती। इतने दिनों आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया, मैं बहुत एहसानमंद हूं। मास्टर जी, ऊपर कुछ सामान पड़ा हुआ, मास्टर जी रति वाला मिले तो बेच दीजिएगा। पागल हो गए हो क्या? बताओ बताओ, मेरा चांद कहाँ है? बताओ मेरा बेटा कहाँ है? बताओ। जहन्नम में है। ए, तो निकाल दो बाहर। पिताजी कहाँ चले गए? हमारी नब्ज कुछ तेज चल रही है। नहीं पगली, गाड़ी तेज चल रही है। तुझे बुखार चल रहा है, चेहरा भी कैसा लाल हो गया। वो तो खुशी से। खुशी? कौन? यही कि अभी तुम्हारा गांव आएगा, तुम्हारी बहन तांगा लेकर सवारियां लेने आएगी, तुम्हारा घोड़ा पीछू हिलाएगा, तुम्हारी बहन तुम्हें देख लेगी, तुम्हें पहचान लेगी, तुम्हें गले लगा लेगी। तुम्हारी बहन बड़ी अच्छी है, यही रटती आई हो ना? सच में मेरी बहन बड़ी अच्छी। लो, वो आ गया हमारा स्टेशन। चलो गाड़ी से उतरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं गंगू, फिर वही बात, तुम्हें बुखार है, 2-4 दिन आराम करो। 2-4 रोज हमारे गांव में ठहरकर फिर अपने वहाँ वापस चले जाना। वहाँ तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है? यहाँ भी किसे इंतजार है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें उतरना ही पड़ेगा। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे पास तुम्हें रहने के लिए जगह तो है। अरे गंगू, अरे तू कैसे आ गई? अरे गंगू उठो। अरे ये कौन है? मामा ने इसे मेरे साथ भेजा, बेचारे को रास्ते में बुखार। अच्छा बड़ा नाज़, इसे झिड़कियां ना दे, इस बेचारे का दिल तो पहले ही से टूटा हुआ है। ओह तो दिल टूटने से मुंह पर रौनक आ जाती है? भगवान करे कभी तुम्हारे चेहरे पर रौनक ना आए। अरे ये तो भूलता भी। अरे उठो ना, गाड़ी छूटने वाली है। मामा के पास बैंड बजाया करता था। जबी 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 क्या? जबी ये कि सूरत से पता चल जाता बाबू, सुल्फे चाहे कितनी लंबी हो, कोट चाहे कितना बढ़िया पहना, मगर देख लो जेब में 98 से ज्यादा पैसे नहीं है। ये तो तुमने ठीक कहा, 7 आने 3 पैसे। अरे हमने पहले ही कह दिया था ये 7 आने 3 पैसे वाली सूरत है। सूरत से पता चल जाता तो मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, ईमानदार हूँ, बेईमान हूँ, क्या हूँ? तुम कुछ ऐसे वैसे हो, जैसी शक्ल है वैसी अकल नहीं। अकल ज्यादा है ना तुममें। अरे तुम में अकल होती कुछ काम करते, बैंड नहीं बजाते। अकल तो है अपने दास बाबू में। इतनी मोटी किताब से लेके इतनी मोटी किताब तक सब पढ़ लेते हैं, मीठी मीठी दवाइयों से इलाज करते हैं। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलूं। ले गंगू, तू जाके माँ से मिल, मैं से दास बाबू के पास ले जाऊं। तुम तो खामखा परेशान हो रही हो तारा, मुझे मामूली सा तो बुखार है। मामूली सा बुखार? तुम इसे मामूली सा बुखार कहते हो? जरा आंखें बंद करो, अपनी उंगली पानी में डालो। अरे मुझे इतना टेम्परेचर? पटपटेचर? अरे बैंड मास्टर, ये पटपटेचर कौन सी बीमारी है? अरे ये तो कौन सी बोली बोलने लगा रे तारा? दास बाबू, दास बाबू नमस्ते। नमस्ते। तारा ये लो। दास बाबू मेरी समझ में नहीं आता, जब तुम मुझे मिलते हो पहले गुलाब का फूल देते हो, ये क्यों? यूं ही तारा दुनिया में कुछ लोग हंसी बांटते हैं और कुछ लोग दौलत बांटते हैं, समझ लो कि मैं फूल बांटता हूँ। मगर तुम और तो किसी को नहीं बांटते दास बाबू। और किसी के पास मेरे हाथ से ये फूल जाना ही ना चाहे तो मैं क्या करूँ तारा। खैर छोड़ो इन बातों को, अच्छा ये तो बताओ कैसे आना हुआ। वो जो छोकरा है ना जो शहर से आया है उसे बुखार हो गया है आते ही। हाँ हाँ तारा, मेरे दिए हुए फूल को तुम जोड़े में नहीं लगाती हो, पल्लू से बांध देती हो, ये क्यों? तुमसे बैदराज से सुन रखा है कि गुलाब का फूल खाने से पेट साफ रहता है, इसलिए वो अपना पीछू घोड़ा है ना, पीछू घोड़ा, उसे मैं रोज खिला देती हूँ। सच तारा? तुम्हारे सर की कसम दास बाबू, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। बैंड मास्टर को बुला लो। आओ ना बैंड मास्टर, आओ तुम्हारी नब्बे दिखाओ, आओ ना। माँ ये छोकरा शहर से आया है। अच्छा गंगो को लेकर। माँ बेचारे को बुखार है। अच्छा माँ इसका पहले बुखार उतार ले फिर इसे जाने देंगे। अच्छा नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। शहर में क्या धंधा करते हो? माँ मामा के साथ बैंड बजाता है माँ। तू 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 तारा। अच्छा तो तुम शहर में बैंड बजाते हो। तू 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 क्यों हंसती है? चाचा को चूल्हा जला और पीछू चाचा के आगे घास तो डाल। पीछू एक घोड़ा भी तो है ना? वही बेटा, तारा के पिता इस घोड़े को भाई कहकर बुलाया करते थे। ये बुढ़ा घोड़ा तारा के पिता के मरने के बाद इस घर की परवरिश कर रहा है, इसलिए तारा इसे चाचा कहकर बुलाती है। तुम हंसोगे तो जरूर। माँ यहाँ बैठ जा। पर हम गरीब आदमी ठहरे ना, जानवरों से रिश्ता जोड़ते हमें लाज नहीं आती। माँ दास बाबू ने बैंड मास्टर को 8 गोली दी। अरे जी तेने बैंड मास्टर क्या लगा रखी है? सीधी तरह नाम लेकर बुलाना। क्या नाम है भैया तुम्हारा? चांद। हाय माँ, माँ चांद, माँ मैं तारा और वो चांद, माँ कितनी बढ़िया जोड़ी है ना। शर्म कर बेहया। बेटा तारा की किसी बात पर ध्यान न देना, एक तो ये बावली है, दूसरे बड़ी भोली। गंगू शहर में रहकर कुछ चालाक हो गई, पर ये तो बच्चिया की माँ पर दुनिया की कोई बात नहीं समझती। जमा वहाँ चांद बापू भी खटे बिछा देते। तारा! अच्छा तो जहाँ तुम सोती हो क्या बाकी है? माँ जब मैं मोती कुत्ते को लाई तो मैंने कहा था बेचारा हमारे घर में इसको यही सुला लो, अब तुम ही मना करती हो। अरे मूर्ख छोकरी, वो कुत्ता ये भला आदमी। भैया माफ करना, मैं इसे कैसे समझाऊं? तो माँ कुत्ते में और इसमें बक बक बंद कर जा। उधर वाली कोठरी खाली कर, उसमें बिछा दे चांद बाबू को खटिया। डर गए। अरे ये सांप नहीं है, ये डोरी है, ये मैनेलेट का है। इधर से क्यों? मोती कुत्ता जब आया था तो हम रात को उसे डोरी से बांध के सोते थे। इसका मतलब है कि गले में बांध लूं? नहीं, एक सिरा तुम अपने पाँव से बांध लो और जो दूसरा सिरा मैं हाथ में लेकर सोंगी। मुझे इत्मीनान रहेगा कि तुम कहीं भागे नहीं। तारा तुम कितनी भोली हो। देखो, जिस तरह मैं बांध सकता हूँ मैं उसी तरह खोल भी तो सकता हूँ। नहीं बैंड मास्टर, बांधना आसान है, खोलना इतना आसान नहीं होता। और फिर वो मुझे तुम पे विश्वास भी तो है। तारा, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। क्या बात? फिक्र की कोई बात नहीं, बच जाएंगे। इन्हें बचना ही चाहिए। इनके वकील की जबानी मुझे मालूम हुआ है कि एक जायदाद का मुकदमा जो ये कसल से लड़ रहे थे जीत गए। कौन इनकी सुर से कह सकता है कि ये सेठ नारायण दास है। किस्मत जब पलटती है तो यूं पलटती है। अब ये इस बिल्डिंग और 6 बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक हैं। और ये ले, स्वागत करो ना। देखो, आज मैं सज के पहली बार तुम्हारे सपनों में आई। देखा मेरा जादू, देखा। एक चिक बीच चुरल, दिल उड़ गया बाबू। हम चांद बाबू को जरूर ढूंढ निकालेंगे, आप चिंता ना करें। कॉलेज के एक दो लड़कों से कुछ सुराग मिला है और भी कुछ मिलने की उम्मीद है। दौलत राम जी हाँ, मैंने ये ख्वाब देखा। नहीं नारायण दास जी, ये हकीकत है। मालूम होता है कि मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। अगर आप लोग नहीं पहचानते तो न जाने मैं कब तक सड़क पर बेहोश पड़ा रहता, और इस तरह अगर घर में लाकर दवा दारू नहीं करते तो शायद कूच कर जाता। ये भी तो आप ही का घर है, आप तकदीर वाले हैं और हम भी तो। ये रजनी है ना? जी हाँ। हाँ जी, 15-16 साल की बात है। जब हम पुणे में इकट्ठे रहते थे, ये 3-4 साल की होगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा चांद आते जाते इसकी चुटिया खींचा करता था। तब तो मैं छोटी थी, खींचती होगी मेरी चुटिया। अब तो मेरी चुटिया को कोई हाथ लगा के दिखाए तो। तुम्हारी चुटिया है? हाँ है। ये लगा दिया। भाई वो छोटे क्या करता है? छोटे छोटे भैया जी। भाई नारायण दास जी पूछते हैं कि तुम क्या करते हो। सोचता ज्यादा हूँ और बोलता कम हूँ। चांद चांद, अरे बोलते क्यों नहीं? बोलूं क्या? बैंड मास्टर कह के पुकारो तो समझो मुझे बुला रही। अच्छा बैंड मास्टर, अब तुम्हारी हालत कैसी है? और किनार दास बाबू आए हैं ना? कैसे पता चला? गुलाब की खुशबू से। गुस्ताखी करूं? करो। क्या हो रहा है चांद बाबू? माँ गुस्ताखी कर रहा है। क्या? आप तो तारा का स्वभाव जानती है, तो खामखा बात का बतंगड़ बना देती। मैं आ सकता हूँ दास बाबू? दास बाबू, ये फूल मैंने अपने हाथ से नहीं लगाया, ये गुस्ताखी तो बीमार ने की है। तो बीमार अच्छा हो रहा है। मैं कल जा सकता हूँ? कल? कल? दास बाबू ये अपने गांव कल जा सकता है? नहीं, इन्हें अभी और आराम की जरूरत है। बस यही एक सूरत बाकी है कि अखबारों में इश्तहार दिए जाए। मुमकिन है कि इनाम की लालच से कोई उनका पता बता दे, और अगर चांद बाबू खुद ही पढ़ लेंगे तो ये जानकर कि आप यहाँ हैं और मुकदमा जीते हुए हैं, तो जहाँ भी होंगे खुद उड़ के चले आएंगे। अच्छा बेटी, यही करते। हाँ, ब्लॉग के लिए चांद बाबू की एक तस्वीर चाहिए। एक छोटी सी तस्वीर मेरी पॉकेट बुक में है, वो ले लो। चांद बाबू सच बतलाओ, क्या मेरी बहन बड़ी प्यारी है ना? बड़ी। देखो वो तुम्हें सचमुच बैंड मास्टर समझे हुए। तुम्हें बुरा तो लगा होगा। अच्छा आज मैं साफ साफ कहती हूँ ना गंगू, ये न कहना। क्यों? क्यों? ये मैंने क्यों कहा? खुद ही कहते हो, खुद ही पूछते हो। माँ से कह दूंगी, माँ चांदा बड़ा अच्छा है। निराश क्यों होते हैं पिताजी, हम चांद बाबू को जरूर ढूंढ निकालेंगे। अच्छा तो ये बताइए, जो उन्हें ढूंढेगा उसे इनाम क्या देंगे? जो वो मुंह से मांगे। जो मुझसे मांग ना सके तो लिख के बता दे। दवा ना ना तारा तारा बैंड मास्टर ये दिल है। दो दिल। यह है निशानी प्यार की। यह भी निशानी है प्यार की। ये क्या है? चांद। धब्बा धब्बा धब्बा। ये तारा है। धब्बा है। ये तारा है। धब्बा है। मैं निकल तारों से आँख चुराने लगे। उनको सपने आने लगे, तारों से आँख चुराने लगे, हम अपने से शर्म मानने लगे रे, ये तो क्या होगा। सुनो बड़े कलम सच बोल रे, ये तो क्या होगा। सुनो बड़े कलम सच बोल रे, ये तो क्या होगा। तारा चांद, फिर वही बात। अरे बैंड मास्टर कहके पुकारना। हाँ बैंड मास्टर। तुम्हारे गांव से सवेरे सवेरे भी एक गाड़ी जाती है ना, मैं चाहता हूँ उसमें चला जाऊँ। इतनी जल्दी? ताकि अगर पिताजी का गांव में पता न चले, मैं उसी दिन वापस आ जाऊं। तुम वापस आओगे? आ जाऊं तो तुम्हारी यह जगह मिलेगी ना। फिर आंखों पे मुझे स्टेशन तक छोड़ाओगी? मेरा काम क्या है? स्टेशन पर सवारियां ले जाना और फिर स्टेशन से रात की गाड़ी से जब तुम आओगे, तारा और बिरजू दोनों तुम्हारी रात देख रहे होंगे। और अगर मैं ना आया तो? पिचू उदास हो जाएगा। मेरा क्या है? चल रही सो जाके। मुझे उठा लो। मेरा काम क्या है? कल तो नहीं मगर मैं परसों आ सकूंगा। अच्छा जान सेठ। सेठ? ये मेरा तीसरा नाम। मुझे टोका ना करो। जो मेरा दिल कहना चाहता है मैं वही कहकर खुश होती हूँ। तो बोलो खुश। खुश हो लो। तुम जा रहे हो ना, इसलिए मैं खुश हो। सुना चाचा, आप जा रहा है और मुझे कह रहा खुश हो लो। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, वेनी बांधी। क्यों? कल एक जोड़ा मेरे तांगे में बैठा। एक लड़की थी, मेरी ही उम्र होगी, और जो दूसरा उसका साथ बैठा था, मैंने नहीं पूछा कौन था। मैं समझ गई थी उसका पर होगा। रास्ते में दोनों बड़े ही प्यार से बातें कर रहे थे। कोई जमाना था कि मेरे तांगे में कोई प्यार की बातें करे तो मैं कहती थी ये। नीचे उतरो। कल मैंने कुछ नहीं कहा, चुपके चुपके कान लगा के सुनती रही, बड़ा मजा आया। दोनों को? हाँ, नहीं तीनों को। मैं भी तो सुन रही थी। देखो लड़की कितनी चालाक थी। सर से आंचल सरका के बोली, मेरी वेनी कैसी है? लड़का बोला, हाय कमल बड़ी अच्छी, तुम इसे रोज लगाया करो। लड़की ने पूछा क्यों? लड़का बोला, इसके लगाने से तुम और भी प्यारी मालूम होती हो। सच कमल, इसके लगाने से तुम और भी प्यारी मालूम होती हो। कमल जी चाहता है कि चंपे की वेनी बन जाऊं, फिर चाहे मेरी जिंदगी दो दिन क्यों ना हो, जब तक मुझा ना जाऊं तुम्हारे जुड़े से लिपटा रहूं। लड़की बोली, ऐसा न कहो सरताज, तुम चुप चुप जियो मेरे मालिक, पहले मेरे दिल की मुराद तो पूरी होने दो। लड़के ने पूछा, क्या है तुम्हारे दिल की मुराद? यही कि तुम्हारे चरणों की धूल बन जाऊं और हमेशा तुम्हारी राह में पीछे रहूं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, और तुम्हें तांगा जोतना सिखा दो। सच सच बता दो कि कब दिल में समाए थे। मुझे सच सच बता दो कि कब दिल में समाए थे। वो पहली बार मुझको देख कर जब मुस्कुराए थे। वो पहली बार मुझको देख कर जब मुस्कुराए थे। बहुत खतरा रहे थे तुम, तुम्हें कुछ याद होगा क्या? बहुत खतरा रहे थे तुम, तुम्हें भी याद होगा किस कदर शर्मा रहे थे तुम। तुम्हें भी याद होगा किस कदर शर्मा रहे थे तुम। तुम्हें किसने बताया क्या? मोहब्बत किसको कहते हैं? तुम्हें किसने बताया क्या? मोहब्बत किसको कहते हैं? जो आँखों में बसे हैं, जो हमेशा दिल में रहते हैं, जो आँखों में बसे हैं, जो हमेशा दिल में रहते हैं। तुम्हें किसने सजा दी क्या? तुम्हें किसने सजा दी क्या? कि रातों को गिनो तारे, कि रातों को गिनो तारे। वो जालिम जिसके मीठे बोल लगते हैं बड़े प्यारे। वो जालिम जिसके मीठे बोल लगते हैं बड़े प्यारे। तुम्हें किसने कहा है क्या मेरे को तेरी किस्मत जगाने को, तेरी किस्मत, तेरी किस्मत, तेरी किस्मत जगाने को। बात देख शौक से मुकदमा जीत गए हम, मुकदमा जीत गए हम, मुकदमा जीत गए हम, मुकदमा जीत गए। मेरे पिता मुझसे मिलने के लिए परेशान है, मुझसे मिलने के लिए मेरे पिता परेशान है। भाई साहब ये गाड़ी बंबई कब पहुंचेगी, बंबई कब पहुंचेगी ये गाड़ी? आप होश की दुआ कीजिए, ये गाड़ी तो बंबई से आ रही है, बंबई से आ रही है। तो रोको इस गाड़ी को, इस गाड़ी को रोको, चेन खींचो, चेन खींचो। जुर्माना 50 रुपए है। 50 रुपए जुर्माना? तो है कोई माई का लाल जो मेरे लिए 50 रुपए खर्चेगा? है कोई माई का लाल जो मेरे लिए 50 रुपए खर्चेगा? देखो 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 इसमें लिखा जो मुझे मेरे पिता के पास ले जाएगा उसे 5000 रुपया इनाम मिलेगा, 5000 रुपया इनाम। मुझे मेरे पिता के पास ले चलो, चेन खींचो। नहीं नहीं नहीं, आज मैं कोई सवारी नहीं लूंगी। आज तो चांद बाबू वापस आ रहा है, चांद सेठ वापस आ रहा है। गिर गिर के आसमां पर जाने लगी घटाएं, कह दो कोई पिया दे, पर्दे सुहान जाएं। की धूप बनकर घूमी मेरी सदाएं, कह दो कोई पिया से पर्दे सुमा न जाएं। घिर घिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं, कह दो कोई पिया से पर्दे सुमा न जाएं। अपनी ओढ़नी में मन बांध ले पिया का, मन बांध ले पिया का। तू अपनी ओढ़नी में मन बांध ले पिया का, मन बांध ले पिया का। फिर ना उन्हें तू बोले ना तुम्हें बुलाए, कह दो कोई पिया से पर्दे सुमा न जाए। घिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं, कह दो कोई पिया से पर्दे सुमा न जाए। गाड़ियाँ आई, गाड़ियाँ गईं, पर चांद ना आया। इनाम सबने आपस में बांट लिया है, वो लोग बहुत खुश गए हैं। वो आए भी तो खुशियाँ लेकर थे। चांद, पिताजी, तुम्हारे ढूंढने में कामयाबी का सेहरा दरअसल रजनी के सिर है। वो नहीं, ये नहीं। चलो ना बेटी, आज की गाड़ी से जरूर आएगा। गंगू, अरे गाड़ियां तो रोज देखते हैं, आना होता तो पक्का आ जाता। गंगू दीदी, गंगू आ, हम दोनों मिलकर उस सेब को भूल जाए। दीदी, ये काम इतना आसान है कि जिसे हम दोनों कर सकें। भूलने वाले तो भुलाने पर और याद आते हैं दीदी। हाँ गंगू, भूलने वाले भुलाने पे और याद आते हैं। गंगू, सचमुच मामा के पास वो बैंड बजाया करता था। दीदी, वो सीखता जरूर था दीदी। मेरी दीदी क्या कि और भी प्यारी हो गई। कब से जब से प्यार छलकने लगा है ना। गंगू, तो बोलो ना दीदी, चलोगी ना? अच्छा, चलो। तो लो, इसे लगा लो। अरे छोड़ना गंगू, देखो दीदी मेरा कहना मानो, आज तो जरूर आएगा। गंगू, मेरी आशा मर चुकी है। छुपा गई ना असली बात मुझसे, बोलने लगी ना झूठ मुझसे भी। जरा कलेजे पे हाथ रखो, देखो दिल की धड़कनों में आशा दबी आवाज बह जा रही है। जीती हूँ, जीती हूँ, जीती हूँ। अच्छा दीदी, अगर वो आ जाए तो सबसे पहले तुम उससे क्या कहो? मैं बेगुन और बेगुन तक बात नहीं करूं बेईमान से। कह के गया था कि मैं आज ही आ जाऊंगा। आज 15 दिन हो गए हैं गुम। दीदी चांद जो ठहरा 15 दिन छुपके ही नजर आएगा ना गुम। क्यों आए? किसने कहा था आने को? बेईमान चोर। तारा, ये तुम आज क्या कह रही हो? मैंने तो यूं ही जरा चांद बाबू का कोट पहनकर देख लिया था। बिगड़ने की कोई बात नहीं। ये लो। ये रहा। यही होता है, तुम ख्वाब बनकर आते हो तो भी देखते ही देखते कुछ और से और बन जाते हो। खिलावे मैं कमाल, मैं प्रेम में कुछ नहीं जानती थी और ना ही इन बातों के लिए पैदा हुई थी। दिन भर मेहनत मजदूरी करके शाम तक 2 रोटियां कमा लाना, बस यही मेरी जिंदगी थी। ये तुमने क्या रोक लगा दिया और कहाँ चलती है रोक लगा कर? बोलो, जवाब दो। तारा है पिताजी, वो समझती होगी मैं वादा करके भूल गया। हो सकता है वो भी भूल गई हो। ये नहीं हो सकता पिताजी। दिल की कमी को खिलने से पहले पिताजी, आज मैं तारा से मिलने जरूर जाऊंगा। नहीं, जब तक मैं अच्छा न हो जाऊं तुम नहीं जा सकती। दुनिया में सारा ख्वाब है अंधेरा, तेरे बगैर अंधेरा, तेरे बगैर। दुनिया में सारा ख्वाब है अंधेरा, तेरे बगैर अंधेरा। देखो दीदी, मेरा कहना मानो, आज वो जरूर आएगा। ये गाड़ी जाने दो, वो दूसरी गाड़ी आ रही है ना। बीमारी की वजह से तुम्हारी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए बात कब तक छुपाई जा सकती है, ये बात कब तक छुपाई जा सकती है। धोखेबाजों, तुमने मुझसे झूठ बोला, कहा गंगो गाड़ी में बैठकर कुछ दिनों के लिए शहर चली गई, जबकि वो उसी गाड़ी के पहियों के नीचे कुचली जा चुकी थी। माँ, कहा वो कुछ दिन बाद आएगी, जबकि वो हमेशा के लिए कूद कर चुकी थी। मेरी अंधी आंखों को धोखा दिया, कहा शमशान में किसी और की चिता जलाने जा रही। अंधी के पास आंखें नहीं है, तुम इन्हें धोखा दे सकते हो। माँ के दिल से कुछ नहीं छुपा सकते। ये दिल पुकार पुकार कर कह रहा है कि तुमने गंगू की नदियाँ चोरी चोरी आग की नजर कर दी है। माँ चिता से उठते हुए धुएं को सूंघो, इसमें गंगू के जलते हुए रेशमी बालों की महक है। गंगू बावनी सफर लंबा है, तू अकेली नहीं जा सकती। गंगू लाली मैं संग चलूंगी, मुझे साथ ले चल। गंगू रानी अंधी की लाठी संभाल। गंगू बेला से मुझे ये खत मिला है। ये ताराबाई कौन है? चांद साहब रोज इन्हें खत लिखते हैं और रोज ऐसे खत मुझे जलाने पड़ते हैं। अच्छा तो लो है, जरा गिन लेना। चाचा, लो चाचा, एक तुम रह गए थे ना, तुम्हें मैंने बेच डाला। चाचा लो, कुछ पैसे लोगे? स्टेशन तक जा रहे हो भैया? जाओ पीछे चाचा। तारा, तारा, क्या तुम सच में शहर मामा के पास जा रही हो? तो करूं क्या, और कोई दिखाई भी तो नहीं देता जिसका सहारा। तारा, और कोई दिखाई नहीं देता। एक बात तुम तारा ना कहो। दिलवानो, तुम जानबूझ के दिल के टुकड़े करा के क्यों मजा लिया करते हो? दास बाबू, मैं जानती हूँ जो तुम कहोगे और तुम भी जानते हो कि मेरा जवाब क्या होगा। तारा, तारा तुम्हें गलतफहमी हुई। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। तारा, जी चाहता है बस आखिरी बार तारा, कि ये फूल तुम्हारे कदमों में रख दूं, फिर तुम चाहे इसे रौन कर चली जाओ, चाहे। दास बाबू, तुम्हारा काम बन जाता अगर चांद जहां होता, वो इसे मेरे चूड़े में लगा देता। तो लो, अच्छा मुझे पैदल स्टेशन तक जाना है, मुझे देर हो रही है। बस 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 मेरी लाडली बेटी रो नहीं, रोने से वो वापस नहीं आएंगी। आज सुबह तुम 10 बजे पहुंची थी ना? भगवान का लाख लाख शुक्र कि रात होने से पहले पहले तुमने घर ढूंढ लिया, नहीं तो बड़ी तकलीफ होती। अच्छा बेटे, इस संदूकची में रुपए पैसे तो नहीं है? हाँ। ₹300 तांगा भेज दिए, पिट्टू चाचा भेज दिए। लो मामा। अच्छा तो चलो, ये रकम तुम्हारे ब्याह के काम आएगी। मामा मैं ब्याह नहीं करूंगी मामा। अरे बावली, सदमे से दिल उदास हो जाता है तो कुछ नहीं भाता, मगर वक्त पाकर सब ठीक हो जाता है। अरे जिंदगी में बुरे और अच्छे दिन आया ही करते हैं, लेकिन तू तू तो मन कहीं और लगा और जो कुछ हुआ है उसे भूलने की कोशिश कर। ये देख, ये देख, ये देख, मैंने तुकाराम लेडी बैंक बनाया है। गंगू के साथ एक लड़का आया था, चांद बाबू, ये उसकी आइडिया है। चांद? वो ऊपर रहा करता था, जहां बैठकर बिगुल बजाना सीखा करता था, बड़ा कपड़े धोया करता था। नहीं मामा। अरे बावली, तुझे यकीन नहीं आता? अभी भी उसकी तस्वीर ऊपर लगी हुई है। अच्छा। मेरे चांद की तस्वीर, तुम मेरा इंतजार कर रही थी। तो चुप क्यों है? कुछ कहना तो सुनना। कोई और भी रजनी थी। वो कौन थी? मुझे उसकी याद मत दिलाओ। उससे मोहब्बत थी? मोहब्बत? सख्त नफरत। मुझसे सच कहती हो ना? बिल्कुल सच। तो मैं भी सच कहूँ? देखिए, ये तस्वीरें उनकी हैं जिन्होंने खुद मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहा। और ये छोटी सी तस्वीर उसकी है। ये तस्वीर तो मेरी है। नहीं, ये तो उसकी है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है। और इससे मैं कहती हूँ, ख्यालों में किसी के किसी तरह आया नहीं करते किसी को पाया नहीं करते ख्यालों में किसी के इसी तरह आया नहीं करते किसी को बेवफा के तर पाया नहीं करते दिलों को रोंद कर दिल अपना बहलाया नहीं करते जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते दिलों को रोंद कर खयालों में किसी के। जिन्हें मिटना हो वो मिटने से डर जाया, नहीं करते वो डर जाया, नहीं करते। जिन्हें मिटना हो वो मिटने से डर जाया, नहीं करते वो डर जाया, नहीं करते। मोहब्बत करने वाले गम से घबराया, नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया, नहीं करते खयालों में किसी के। मोहब्बत का सबक सीखो, ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। मोहब्बत का सबक सीखो, ये जाकर जलने वालों से, ये जाकर जलने वालों से। ये दिल की बात भी लब तक कभी लाया, नहीं करते जो ठुकराए गई हूँ उनको ठुकराया, नहीं करते खयालों में किसी के। इसी तरह आया, नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया, नहीं करते खयालों में किसी के। वो देखा पिताजी, आप खामखा डर रहे थे, कितना अच्छा तांगा चलाता हूँ, जरूरत पड़ी कोचवान की। शाबाश शाबाश। तुमने तांगा चलाना सीखा किससे? सीख लिया किसी से। तांगे वाले हमें मार्केट तक ले चलोगे? हाँ हाँ, 1 रुपया लूंगा। हम 2 देंगे। लाओ, मुझे दे दो। टांगे का मालिक तो मैं हूँ, ये तो कोचवान है। तो उधार। अच्छा, तो मैं अभी आई। चांद है ना? तुम्हें दिन को चांद नजर आता है, तुम्हारा सर फिर गया। नहीं, तारा, मैं तुम्हारे गांव गया था। हाँ, पता चला कि तुम गांव छोड़ के कहीं चली गई हो। तारा, मुझे गंगू और तुम्हारी माँ के मरने की खबर सुनकर बड़ा अफसोस हुआ है। मैंने तुम्हें खत लिखा था तारा, उसमें मेरे घर का पता भी तो था, और तुम्हें मेरा खत नहीं मिला। कोई और होता कहता जाओ जाओ रहने दो, मगर मुझे तुम पे एतबार है। यहाँ क्या करते हो? यहाँ तांगा चलाता हूँ, तुमसे सीखा था, देख लो बस फायदा उठा रहा हूँ। बहुत बड़ा शहर है, दिन में 8-10 रुपए तो कमा लेते हो। तुम्हारा तांगा बढ़िया है ना, और घोड़ा भी तो पीछू से मिलता है। तुम्हें अपने तांगे की याद आ गई हो, तुम्हारा तांगा भी तो बढ़िया है। हाँ। मुझे माफ कर दो तारा, तारा तुम यहाँ जरा बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अभी आ रहा है। कहाँ जाओगी? कौन हो तुम? तो? उतरो उतरो, नीचे उतरो। शहर की सवारियां तांगा अपने बाप का समझती। देखो मैं हमसे पहले ये बतलाओ कि तुम कितनी हो और कहाँ जाओगे, और जब मैं कहूंगी 1 सवारी के 8 आने होंगे तो कहो मंजूर। देखो खाली पीली दबाव दबाने से काम नहीं चलेगा। मैं गलत तांगे में तो नहीं आ गई? ये देखो ये उनका कोट है, मैं अब भी पुलिस को बुलाती हूँ। नीचे उतरो। गेट डाउन। कमाल है, सूरत तो अच्छी खासी है, शहर के पागल भी बड़े ठाट से रहते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। नीचे उतरो। हम बोलता है? अरे बोलता नहीं, बोलती है। सच में दिमाग खराब है, मेरी चीजों को हाथ लगाए तो मार दूंगी। यहाँ तब तो झगड़ा ही हो खत्म। प्यारे आ जा फिर मैदान में। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, और मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस! अरे बैठ, पुलिस की बच्ची। कहाँ तेरी पुलिस? बुलाओ बुलाओ, कहाँ तेरी पुलिस? बुलाओ, दिखा तेरे कहाँ चाची लगती तेरी पुलिस। बुलाओ बुलाओ, पुलिस पुलिस पुलिस। चांद 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 चांद, देखो ये कौन है, ये मुझसे झगड़ रही है। तारा तुमने झगड़ा किया? इसे सजा दो, इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की। इसे थाने ले चलो। थाने? बैन मास्टर, मुझे थाने ले ही चलो। बैन मास्टर, तुमने मेरे होने वाले मंगेतर को बैन मास्टर कहा? तुमने इतने बड़े आदमी को बैन मास्टर कहा? चांद, इसने भरे बाजार में तुम्हारी भी इंसल्ट की, इसे थाने ले ही चलो। तारा, तारा, तारा तुम्हें गलतफहमी हुई है। चांद सेठ, इतने बड़े आदमी ने झूठ क्यों बोला? इतने बड़े आदमी को नाटक खेलने की क्या जरूरत थी? तारा मैंने झूठ नहीं बोला, ना ही मैंने नाटक खेला है तारा, और ना ही मैं किसी का मंगेतर। तारा तुम पिताजी के पास चलो, वो तुम्हें सब समझा देंगे। चांद सेठ, मैं तुम्हारे पांव चूमे, मुझे माफ कर दो। तारा मुझे भी तो माफ कर दो। तुम भी यहाँ रहोगी, हमारे पास रहोगी, समझी बिटिया रानी? बिटिया रानी, जान, तेरा बाप सच कहता है झूठ बोलता है। सफेद बाल झूठ नहीं बोलते बेटा। अगर मैं यहाँ रही तो रजनी देवी। मैं बात नहीं छुपाया करता। ए चांद, तुम जाओ, आओ बैठो। मेरे पास बैठो ना। मैं इस काबिल नहीं हूँ पिताजी। अच्छा, मैं तो इस काबिल हूँ पिताजी। बैठो। सुनो, मुझे मालूम नहीं था रजनी के पिता मेरे पुराने दोस्त हैं ना। मैं उनकी बेटी को बहू बनाने के ख्याल में था, मगर जब से ये मालूम हुआ कि तुम मेरे चांद की आंखों का तारा हो, मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया है। किसी और को बहू बनाएंगे? किसे? जिसके दो कान हो, एक नाक हो, दो हाथ हो, दो पैर हो। देख तारा, एकदम सब कुछ नहीं हो सकता, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक कर दूंगा। और सुनो, अगर रजनी के बारे में कोई बात हो तो कहना अच्छी लड़की है। अच्छी है? और मैं? तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी तुम्हारी आदतें मिलती हैं। मन में मैल, न जबान पर काबू। बस कल से तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन मेरा मामा शायद मुझे ना आने दे। मामा से ज्यादा पिता का हक है। हाँ, तो मैं मामा से कह दूंगी मैं गाँव जा रही हूँ और यहाँ आ जाऊंगी। तुम हंसते कैसे हैं? तेरे दांत बड़े सुंदर हैं और मजबूत भी बड़े हैं। देखिए, लीजिए। बावली, इतनी जल्दी दिल में उतर जाती है तू। रजनी का अपमान हुआ है और हम चुप हैं। बेहतरी इसी में है कि इस वक्त चुप रहा जाए। मैंने भी सांप की शागिर्दी की है। सांप तकरीरें नहीं किया करती। मौका मिला के डस लिया। मौका? पिताजी, मैं आ गई। आओ आओ। अरे बैंड मास्टर। पिताजी, आपको इस नाम का कैसे पता चला? मुझे सब नामों को पता चल जाता है। नामों को पता चल जाता है। अच्छा, ये छुपाए हुए क्या हो? मेरी गठड़ी। गठड़ी? अच्छा, गठड़ी में क्या है? बटुआ। और बटुए में क्या है? बटुए में 300 रुपया गांव से मामा को लाके दिया था। मामा ने कहा था रख छोड़, तेरे ब्याह के काम आएगा। लेकिन उस वक्त मैंने कहा तो मैं ब्याह नहीं करूंगी। और इस वक्त? और हाँ, मैं अपना राशन कार्ड भी ले आई हूँ। भाई, आप तो बड़े बड़े आदमी हैं, आपको तो बड़े बड़े राशन कार्ड होंगे। मेरा तो ये है। बड़ी अक्लमंद। अगर राशन कार्ड नहीं लेके आती तो शाम का खाना कैसे मिलता? वो शाम का खाना भी लेके आई हूँ, देखो। हाँ? हे बैंड मास्टर, जाकर देख इसका कमरा सजाया जा चुका है या नहीं। बेला, हो बेला। जी सरकार। तारा देवी आ गई। जा वो साड़ियां उठा ला। ये ले, नहा धो के इसे पहन ले। हाय, ये साड़ियाँ? आज कोई मेला है? आपको रजनी के पिताजी बुलाते हैं। तारा, ये लो तारा, पहले वो कपड़े बदल डालो और इसे पहन लो। चांद, जब तुम हमारे घर आए थे, हमने तुम्हें कुछ भी बदलने के लिए नहीं कहा था। मान भी जाओ। अच्छा देखो, ये कपड़े बदलकर इसे गठली में बांध कर गठली मुझे दे दो। क्यों? निशानी। फूलों की वेनी बन जाऊं और जब तक मुरझा ना जाऊं तुम्हारे चूड़े से लिपटा रहा हूं। मालिक, तारा, एक गुस्ताखी करूं क्या? माथा चूम लूं? एक शर्त पर, मुझे पांव चूमने दोगे? मंजूर। तारा मेरी और बेला की चाल से बेखबर है। वो हमसे हमदर्दी जताती है और चांद साहब को तकलीफ होती है। चांद तारा में झगड़ा शुरू करा दिया है। अच्छा किया। और ये छोटे लाल, ये भी किसी से प्यार करता है। जब कोई किसी से प्यार करे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। छोटे अच्छा लगता है? हाय बेचारा मरा जा रहा है किसी के प्रेम में। और ये सीधे मुझसे बात नहीं करती, कमी नहीं। चांद, चांद, तारा, मैं नहीं चाहता कि तुम छोटे को मुंह लगाओ। मुझे बेचारे पे तरस आ गया। अब फिर वो अपनी बेला से प्यार करता है। कुछ भी हो, जो मैं चाहूँ वो करो। चांद, ये करो वो नहीं करो, ये खाओ वो नहीं खाओ, इससे बात करो उससे बात नहीं करो। ये मैं चांद इन बातों के कातिल नहीं। चांद, मुझे इस कातिल बना लो। चांद, यही तो कर रहा हूँ, तो प्यार से करो ना, गुस्से की नजरों से क्यों देखते हो मुझे? साड़ी दे दी, चूड़ियां दे दी, अब और क्या चाहती है तू? मेरे साथ थिएटर चली। तू नाचेगी? मैं चाहती थी चांद बाबू से पूछ लूं। वो तो शाम को आएंगे, तब तक तो हम वापस आ जाएंगे। तो फिर पिताजी से पूछ लूं? मैं पूछ लेती हूँ, आप तैयार हो जाइए। अच्छा, आज मैंने एक लफ्ज भी कहा, उस दिन बकवास की थी ना, की थी। आज मैं चुप हो गया हूँ। मेरे रूठे हुए बनमा, अजी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बनमा, अजी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। नजरें झुक गई, अब तो तरस खाओ, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बनमा, अजी रूठे हुए चंदा, अजी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। जवानी में जवान नजरों से नजरें लड़ जाती हैं, जवानी में जवान नजरों से नजरें लड़ जाती हैं। मैं समझा लूंगी नजरों को, मैं समझा लूंगी नजरों को, तुम अपने दिल को समझाओ, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बनमा, अजी रूठे हुए चंदा, अजी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। तुम्हारे रेशमी होठों से जो निकला है वो सच है, तुम्हारे रेशमी होठों से जो निकला है वो सच है। जो मैं नीची नजर से कह गई वो भी समझ जाओ, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बलमा, अजी रूठे हुए चंदा, अजी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। जो ऐसे मुँह बनाओ और भी लगते हो तुम प्यारे, जो ऐसे मुँह बनाओ और भी लगते हो तुम प्यारे, नहीं तो हर सजे हो तुम तो लोग में शर्माओ, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बनमा, अजी रूठे हुए चंदा, अजी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। ये वायर रिकॉर्डर पर चांद साहब की अपनी आवाज। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और ये दवा, इसका जरा सा धुआं नथुनों में कि होश गायब। और फिर देखिए मेरा तमाशा। कौन? मैं हूँ। चांद बाबू ने आपको इसी वक्त बुलाया है। ये तो मुझे पता नहीं, शायद उनकी तबीयत एकदम से ज्यादा खराब हो गई। आपकी मर्जी हो जाइए न मर्जी होना चाहिए। वो अपने कमरे में, इसी कमरे के ऊपर सीढ़ियों से मिले हुए तीसरे कमरे में। अंदर आ जाओ। चाँद, मैं पूछता हूँ तारा कहाँ गई है? जी मैं भी तारा को ढूंढने आई थी। वो तो शायद चोरी चोरी छोटे लाल के पास गई होगी। बत्ती जलाओ। आपको जो कुछ भी कहना हो जल्दी कहिए। अंदर कौन है? कोई भी हो आपको मतलब? तुमने अपनी आंखों से देखा है तारा को छोटे लाल के कमरे में? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा तारा को छोटे लाल के पलंग पर। देखा जी चाहता है टुकड़े टुकड़े कर डाले। टुकड़े तो उसने कर डाले, मेरे और तुम्हारे दिल के। मुझे बधाई दीजिए, कुछ नहीं किया और क्या कुछ नहीं कर दिया। शाबाश शाबाश। मैं कसम खा के कहती हूँ, चांद बाबू ने मुझे अंदर आने के लिए कहा और मैं चली गई। बकमत ना कर। मैं तो शाम से बैठा हुआ पिताजी के कमरे में नॉवल पढ़ रहा था। मैंने तुम्हें अंदर आने को कहा, तुम अंदर आ गई। मैं झूठ बोलती हूँ। सारा बकवास कर। अब तो गली खुल गई, अब छुपाने से क्या फायदा। ये रहे तुम्हारी जीत है, वो रहा तुम्हारा रास्ता। जाओ इस वक्त, इसी वक्त। आ गई, कसूर समझ में नहीं आया। तुम छोटे से पूछ लो। सब पूछ चुका। अच्छा तो शायद ये कोई बड़े आदमी की चाल होगी। रुखसत कर्ज चुकाना है। तुम्हारे रुपए ये लो, ये लो। ग्रैंड मास्टर तुम ही से बात करो। याद था तुमने एक दिन कहा था एक गुस्ताखी करो माथा चूम लो। मैंने कहा था एक शर्त पर मुझे पांव चूमने दोगे। वो कर्ज अभी तुम्हें चुकाना है बैंड मास्टर। बैंड मास्टर की बच्ची अभी गुस्से में हो, जल्दी चुका दोगे। चुका दो ना बैंड मास्टर। बैंड मास्टर बैंड मास्टर बैंड मास्टर तुम्हारे हाथ मारते मारते थक जाएंगे, लेकिन ये जुबान बैंड मास्टर कहते हुए नहीं थकेगी। बैंड मास्टर कितनी ठीक हो। लो, तुमने मुझे घर से निकाल दिया, मैंने तुम्हें दिल से नहीं निकाला बैंड मास्टर। देखो आज मेरे चेहरे पर रौनक आ गई ना। हाय मैं कितनी बेशर्म हूँ, इतनी मार खाने पे भी मेरी आंख में एक भी आंसू नहीं। नहीं बैंड मास्टर, मैं नहीं रोऊंगी। मैंने प्यार किया है और अगर प्यार का बदला ना मिलने पे मैं रोती तो प्यार करने वालों के नाम पे धब्बा लग जाएगा। बैंड मास्टर इसी तरह जाओगी या नहीं? नहीं, इस तरह नहीं जाऊंगी जिस तरह एक दिन बाहर के दरवाजे से मुझे मना के लाए थे, उसी तरह आज उसी जगह से ठोकर मारकर इस भयानक रात के हवाले कर दो। बैंड मास्टर उठो। अच्छा किया चौधरी, मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहा करती थी। गांव से दिल उकता गया, मामा के पास आई, बहुत अच्छा किया। मोहब्बत के मारों का, मोहब्बत के मारों का हाल ये दुनिया में होता है। जमाना उन पे हंसता है, नसीबा उन पे रोता है, नसीबा उन पे रोता है, नसीबा उन पे रोता है। मोहब्बत के मारों का, मोहब्बत के मारों का हाल ये दुनिया में होता है। जमाना उन पे हंसता है, नसीबा उन पे रोता है, नसीबा उन पे रोता है, नसीबा उन पे रोता है। हम पास तुम्हारे आ न सके, हम पास तुम्हारे आ न सके, हम दूर भी तुमसे रह न सके। दम घुटता रहा अरमानों का, कुछ कहना चाहा कह न सके। मोहब्बत के मारों का, मोहब्बत के मारों का हाल ये दुनिया में होता है। जमाना उन पे हंसता है, नसीबा उन पे रोता है, नसीबा उन पे रोता है, नसीबा उन पे रोता है। जिसने हमको बर्बाद किया, जिसने हमको बर्बाद किया, हम उसको दुआएं देते हैं। जब दर्द से भर आता है दिल, बस नाम उसी का लेते हैं। मोहब्बत के मारों का, मोहब्बत के मारों का हाल ये दुनिया में होता है। जमाना उन पे हंसता है, नसीबा उन पे रोता है, नसीबा उन पे रोता है, नसीबा उन पे रोता है। ये दर्द छुपाए छुप न सका, ये दर्द छुपाए छुप न सका, ये सहना चाहा सह न सके, दिल यास से भर आया लेकिन आँखों से आंसू बह न सके। मोहब्बत के मारूं का, मोहब्बत के मारूं का हाल ये दुनिया में होता है, जमाना उन पे हंसता है, नसीबा उन पे रोता है, नसीबा उन पे रोता है, नसीबा उन पे रोता है। नारायण दास जी, समझ लीजिए कि आपकी किस्मत अच्छी है, कहे तो मैं छोटे को गोली से उड़ा दूं। इसमें उसका कोई दोष नहीं। मगर रजनी का भी कोई दोष नहीं। आपने उससे कोई वादा किया था। निभाऊंगा। चांद की शादी रजनी से ही होगी। शुक्रिया। ब्याह तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। हाँ मामा, आज का ब्याह जिंदगी भर नहीं भूलेगा। कितने भले आदमी थे, कितने अच्छे। देख, 200 रुपया नगद मुझे इनाम दिया और हर लड़की को एक साड़ी एक ब्लाउज। ये तेरा हिस्सा है, मगर तुझे इसकी जरूरत तो नहीं। मामा, मेरा है सब, मुझे दे दो। ले लो ले लो। कुछ भी हो, रूठ गए थे ना, मगर मैं जहां भी थी तुमने मुझे मेरा हिस्सा पहुंचा दिया। तुम सलामत रहो बैंड मास्टर, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मेरी तकदीर मुझसे पत्ता खेल गई। और फिर मैं इस काबिल में तो नहीं थी। आज जब तुम्हारे पिता ने तुम्हारे सिर से मोहरे निछावर की, तुम मुझसे न रहा गया, मगर मेरे पास तो आ गया। आखिर मेरे दिल के टुकड़ों का हाथ मिल गया और तुम्हारे सिर से निछावर करके फेंक दिया बैंड मास्टर। लोग मोहरों की तरफ लग गए, लेकिन मेरे दिल का टुकड़े अभी तक वहां पर है। अगर तुम वहां से कभी गुजरो तो उन्हें उठा लेना। वो मेरे दिल के टुकड़े हैं मेरे मास्टर। तारा, तो तुम यहाँ रहोगी? ये कोठरी तो बहुत छोटी सी और कुछ गंदी सी है। दिन ही तो काटने हैं दास बाबू। तारा, हमारे घर चलो। दास बाबू, मैं यहाँ रहूं या वहाँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग तुम्हें बदनाम करेंगे। चेचक ने इसकी जान तो ले दी, अब भगवान रजनी को से। तुम्हें मालूम नहीं रजनी, मेरे जिस्म पर फपोले नजर आते हैं। सैकड़ों। इन फपोलों से कोई आवाज निकलती है? नहीं निकल सकती। ये किसी बेजुबान की आहें हैं। रजनी। हाँ, ये तारा का सब्र है, ये उसके दाग हैं, ये उसके आंसू हैं जो फूट निकले हैं मेरे गंदे जिस्म से। तुम्हें याद होगा एक रात मेरे भाई ने बहन की खुशियां छीनने के लिए एक गंदी चाल चली। तारा को दवा से बेहोश करके अपने पलंग पर लेटा दिया। तुम्हारे दिल में गलत फहमी पैदा की, मुझे पता नहीं था, मेरा कोई दोष नहीं था। तारा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? तुम बीमार हो और ये जगह बड़ी अच्छी है। फिर मुझे यहाँ कौन से इतने दिन काटने? और फिर दास बाबू, मैं तो एक दिन खेली खेल में चांद ने कहा था तू धब्बा है, लेकिन तब मैंने यकीन नहीं किया था। तारा, दास बाबू, मैं दाव हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से हमारे दास बाबू के माथे पे कलंक का टीका लगे। क्या हो गया? इसकी बीमारी मेरे समझ में नहीं आती। कल मैं इसे अपने गुरु के पास ले जाऊंगा। कल? इसे आज ही ले जाओ दास बाबू, देर न करो। अच्छा। उसकी तबीयत खराब है। दास बाबू उसे अपने गुरु को दिखाने ले गया है। जरूरी काम हो तो इंतजार करो, बाहर खटिया पड़ी है। बस बुला ले मैं सजदे में गिरा हूँ, मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, बाहर आई थी किस्मत ने मगर ये गुल खिलाया। बाहर आई थी किस्मत ने मगर ये गुल खिलाया, जलाया आशियाँ सैयाद ने, बरनोच डाले मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, भंवर का सर न चकराए, न दिल लहरों का डूबे। भंवर का सर न चकराए, न दिल लहरों का डूबे, ले कश्ती आप कर दी मैंने तूफान के हवाले, मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। मैं सजदे में गिरा हूँ, मुझको ऐ मालिक उठा ले। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं। चांद बाबू, तारा ये रही आपकी तारा। इसे क्या हुआ दास बाबू? अब इसकी हालत कैसी है? उस टिमटिमाते हुए चिराग से पूछिए। तारा, तारा देख तेरा चांद आया है। तारा ले आ गए तेरे चांद बाबू, तेरी हालत पूछने। तारा, तारा देख तारा तेरा चांद आया है। तेरा पैन मास्टर तारा, तेरा पैन मास्टर तुझसे माफी मांगने आया है तारा। मैंने तुमसे बड़ी बेइंसाफी की, तुम बेगुनाह को घर से निकाला, रजनी से शादी की और तुम्हें पता ही नहीं तारा। और तारा ने आपकी शादी में बैंड बजाया, शायद आपको इसकी भी खबर नहीं। क्या तुकाराम बैंड मास्टर का बैंड मंगवाया गया था? और उसमें तुम? तारा छोटे और उसकी बहन को भगवान ने उठा लिया है। तारा अब मेरी बारी है। इसमें भी तारा आपसे एक कदम आगे रहेगी। तारा, तारा आंखें खोल। आंखें खोलो तारा, आंखें खोलो। कुदरत को मुझे मेरे पापों की सजा देने से पहले मुझे अपने आंचल में छुपा लो तारा। तारा मुझे अपने आंचल में छुपा लो। चांद को आंचल में छुपा लो तारा। आंखें खोलो तारा। तारा आंखें खोलो।